यार ये 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो, लेकिन ये खुद ही गायब है, कैसे कमाए बताइए, आप बताइए। इनको खोज रहे हैं, कहाँ मिलेंगे भाई बताओ। तो ये कौन कौन से वाहन इससे चार्ज हो सकते, पहले तो मुझे ये बताइए। जैसे फोर व्हीलर चार्ज, फोर फोर व्हीलर व्हीलर, इन द सेंस कार, ओनली कार। कार। यार आज जो है फ्रेंचाइजी एक्सपो है लखनऊ के अंदर, मेरे साथ में एक और भी यूट्यूबर है जो कि वीएलई सोसाइटी, वो भी साथ में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हम उन्हीं का अभी वेट कर रहे हैं, उन्होंने बोला है करीब 20 मिनट के अंदर हम आ रहे हैं। पैदल दौड़ा दिए गए भाई, पैदल आओ। तो गाइज ये देखिए वीएलई सोसाइटी बैठे हुए हैं, उनके साथ में सह पायलट अरुण अवस्थी जी बैठे हुए हैं, और ये गाड़ी चल रही। कहाँ हम लोग चलने वाले? क्लार्क अवध होटल वहां पर। भाई हम लोग आ चुके हैं होटल में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है होटल क्लार्क अवध। तो ये हमारे साथ में अवस्थी जी, आगे आगे एक्सपो इंडिया को ज्वाइन कराते हुए। और अवस्थी जी कैसा फील कर रहे हैं आप? तो गाइज काफी अच्छा अंदर का माहौल है, और अभी आप देखोगे यहाँ पर सेल्फी जोन बन गया। हम लोग अपनी एक फोटो कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो फोटो कैप्चर कर लेते हैं फिर बताते हैं। लिफ्ट आ गई है, और लिफ्ट के अंदर हमारे तीनों पैसेंजर सवार हो चुके हैं। तो बंद दबाया, कैसा आपको फील हुआ? बेस्ट बेस्ट। ये भाई नीचे जा रही है ऊपर जा रही है? तो सब जाना है इस बड़वे को। खैर ये वन बता तो दिया इसने। ये महल यहाँ पे बनाए गए हैं, ये एक्सपो इंडिया, यहाँ पर आप देखोगे इसके नाम से। पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। भाई कैमरे पे उंगली रखकर वीडियो कौन बना रहा है भाई, ये बताओ। और अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिनके साथ में जुड़ करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप भी वहाँ घर बैठे बैठे काफी कुछ सीख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो हम दिखाओ कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास में अवेलेबल। तो फ्रेंचाइजी पे क्या वहाँ पर प्रोडक्ट आपके आप आउटलेट पे लगाते हो या केवल वेबसाइट का एक्सेस देते हो? ओ आई सी, तो आप राइट पर्सन हो। मशीनरी जो जरूरत है वो इतने पैसे में आप लगाओगे? सारी मशीनरी होगी, पूरा अंदर के इंटीरियर होगा। तो प्राइजिंग हम लोग आप और मिल करके सेट करेंगे, है ना? केजी टू तक प्री प्राइम मतलब रहेगा। अच्छा ये जो यूनिट कॉस्ट है इसमें आपका ब्रांड की जैसे रॉयल्टी कास्ट ले रहे हो, तो आपके ब्रांड की वैल्यू इतनी है कि मतलब लोग वेबसाइट के थ्रू आएंगे हमारे पास। तो गाइज एक्सपो से हम लोग निकले हैं और ये रंग महल में हम लोग जा रहे हैं। देखो ये रंग महल है, छोटा सा टी ब्रेक लिया है और अभी चाय पियेंगे। ये सारे लोग पियोगे आप लोग चाय? अच्छा पीना चाहते हो, तो ये अवस्थी जी भी चाय पियेंगे और हम भी चाय पियेंगे। थैंक यू। तो क्या रहेगा, किस तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा? इन्वेस्टमेंट जो है वो 40 से 45 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। पेंट सीलिंग और ये सब वो करेगा खुद, है ना? डिपेंड ऑन स्टोर एरिया भी है सर। अगर 800 स्क्वायर फीट लेते हैं तो उसका कॉस्ट और कम हो जाती है, 1000 लेते हैं तो 16 लाख आती है, अगर 1200 लेते हैं तो 18 लाख भी जा सकती है, ये डिपेंड ऑन एरिया है। अच्छा डिस्काउंट वगैरह जो कंपनी चलाती है ब्रांड जैसे, वो कैसे होता है? कोई भी डिस्काउंट जो होता है हमारे साल में 2 बार डिस्काउंट चलता है। तो यार ये 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो, लेकिन ये खुद ही गायब है, कैसे कमाए बताइए, आप बताइए। इनको खोज रहे हैं, कहाँ मिलेंगे भाई बताओ। इतने सारे लोगों ने कमाए हैं पैसे, देखो तमिलनाडु से हैं, गुजरात से हैं, मुंबई से हैं, गोवा से, कर्नाटका से। बाय द वे आप कहाँ से हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, ठीक है? यहाँ पर मेरी फोटो भी लगनी चाहिए भाई, मैं भी 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। लखनऊ है लिखा, लखनऊ से भाई है ये, अपना छोटा भाई है ये। ये है स्किल सर्कल,
इनकी फ्रेंचाइजी लेकर के आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो। पूछेंगे अभी कैसे क्या पूरा होगा, आपको भी बताएंगे। और इनकी फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है अभी हम इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर लोगों की जिंदगी आप बचाओगे, तो ये डिस्प्ले पे भी इन्होंने मैप पे कुछ दिखा रखा है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ ये क्या है, किस तरीके से वर्क करता अपना भारत एम्बुलेंस सर्विस की। इसमें आपने बताया कि 10 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक। उसके बाद में 25,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो गारंटेड है। अच्छा, इसके बाद में ये जो मॉडल है आपका लाइक ओला उबर जैसे है या फिर कुछ डिफरेंट है इसमें? जैसे ये एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस के अंदर कोई हेल्प के लिए डॉक्टर या नर्स उसमें रहेगा आपकी तरफ? आपको मैंने जो एग्जांपल दिया 10 लाख वाला, वो है आपकी बेसिक लाइफ सपोर्ट सर्विस। जहाँ पर अगर लेट से एक फार्मासिस्ट चाहिए, लेट से एक जो है MBBS डॉक्टर चाहिए, तो उनका हमारा बिलिंग वैसे ही तय है, स्लैब्स हमारे पास ऑलरेडी है डेटा में, तो हम उनको असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन लेट से आप ALS हैंडल करते हो, तो आपके पास वो कॉन्टैक्ट रहेगा कि आपकी बुकिंग आई तो जब पेशेंट को पिक करने जाए गाड़ी तो उसको भी पिक कर लेगी। अभी ये वर्किंग मॉडल है पूरा? हाँ, वर्किंग मॉडल है। 2 मिनट के अंदर लखनऊ के अंदर अवेलेबिलिटी हो जाती है? हाँ, 2 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मिल जाएगी उसको। 2 मिनट के अंदर एम्बुलेंस विल बी ऑन रोड। तो ये जो वीडियो है हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये यूट्यूब चैनल पे जाएगा जी। तो आप अपने बारे में बता दीजिए ऑडियंस को, कांटेक्ट डिटेल अगर वो कांटेक्ट करना चाहे आपसे, ये मॉडल जो है समझ में आता है, बिजनेस आपके साथ में करना चाहे। मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, दे कैन गो टू देयर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन स्टोर। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर, आप iOS यूजर हैं तो iOS स्टोर पर जाके भारत एम्बुलेंस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए। वंस यू बिकम अ प्रीमियम मेंबर, यू विल गेट 1 टाइम इन एन ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस फ्रॉम आर एम्बुलेंस। तो ये कौन कौन से वाहन इससे चार्ज हो सकते, पहले तो मुझे ये बताइए। जैसे फोर व्हीलर चार्ज, फोर व्हीलर कार, कोई स्पेसिफिक मॉडल है या सारे मॉडल? इंडिया में जो भी कार है वो हाँ, चार्ज ये सबका चार्जिंग पॉइंट सेम रहेगा इलेक्ट्रिक कार्स का। तो इसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो क्या रहेगा, किस तरीके से पैसे अर्न करेगा? बिल्कुल सर, जैसे आपने एक चार्जर खरीदा 30 किलोवाट, 30 किलोवाट का चार्जर 5-6 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ देते हैं। आपने इन्वेस्ट कर दिया 5-6 लाख, आपने चार्जर लगा दिया तो 29 मंथ्स में आपको ROI मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? 20 रुपीज एड टू द कस्टमर चार्ज होता है। ईवी मीटर जेटपैक कनेक्शन जो गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडाइज है, इसी मतलब ईवी कार्स के लिए सब्सिडाइज है। ईवी मीटर अप्लाई करते हैं तो वो सर उसमें क्या होता है, फिक्स चार्जेस अप्लाई नहीं होते, सिर्फ आपके नॉर्मल जो यूनिट चार्ज हुए वही चार्जेस अप्लाई होते हैं। सर फुल बैटरी तो 30 यूनिट ही लेती है, क्योंकि 30 किलोवाट की बैटरी टाटा नेक्सॉन की है। ऐसे तो सर MG की 42 की है, मर्सिडीज 72 किलोवाट की है, 45 मिनट बिकॉज वी हैव। तो अगर उस बीच में कोई दूसरा कस्टमर आ जाता है तो फिर 2 यूनिट हमें लगाने होंगे, क्या होगा सर? वैसे तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारा सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस होने का यही वजह है कि आपकी प्रीमाइसेस में भीड़ ना इकट्ठी हो। तो इसमें एक चार्जर की ये कई सारे मॉडल मैं देख पा रहा हूँ, तो ये इसकी कॉस्ट आपने बताई 6 लाख रुपए है एक की। ये पूरा आप जिस भी साइट पे लगाओगे वहाँ पूरा इंस्टॉल करके आप दोगे, है ना? इन फ्यूचर जितने भी कार ब्रांड अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे चार्जिंग पॉइंट सबका सेम ही रहेगा, है ना? ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टेक्ट कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। प्रिंसिपल के लिए पूरा जो कॉलेज है स्कूल है उसको डिजिटल करने के लिए आई ग्रो करेगा पूरा। तो इसमें करेगा नहीं, ये ऑटोमेटेड द प्रोसेस नहीं, जो काम पहले ट्रेडिशनली पेपर हाँ, पे होता था वो वेब पे या ऐप पे होगा। जो स्कूल कॉलेज ये जो है एक्सेस करेंगे और पेरेंट एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट पेरेंट टीचर्स हर एक का अपना एक इंडिविजुअल लॉगिन रहेगा, उसके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से उसके मॉड्यूल्स दिखेंगे। पेरेंट को जैसे वहाँ पे फीस पेमेंट करना है ना, फीस पेमेंट कर सकता है, ऐसे उसको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा उसका, कितना उसने पेमेंट कर दिया, कितना पेंडिंग है, चाहे तो रसीद कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, एवरीथिंग इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, ये अगर कोई स्कूल ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, वो आपके साथ में ज्वाइन करता है तो पर स्टूडेंट आप चार्ज करोगे या स्टूडेंट पर ईयर? पर ईयर। अगर ये जो वीडियो है कोई भी स्कूल या कॉलेज देख रहा है जिसे अपने जो सिस्टम को पूरा डिजिटल करना है, प्रोसेस जो भी उनके स्कूल कॉलेज का है वो आप iGuru के साथ में पूरी तरीके से डिजिटल कर सकते हो। आप अपना सर कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहें, कुछ अपने ब्रांड के बारे में बताना चाहें तो प्लीज बता दीजिए। दिस इज
आई एम रविंदर जैन, सीईओ ऑफ आई गुरु. वी आर अ हैदराबाद बेस्ड कंपनी एंड एज आई स्पीक टू यू ऑल, हम 600 स्कूल्स ऑलरेडी इंडिया में हमारे इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं. कैपिटल ऑफ यूपी, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन लखनऊ एंड ऑलरेडी ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट वी हैव लॉन्च 6 स्कूल्स एंड दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू मूव इन लखनऊ नाउ. अभी कपड़े नहीं मिला है तो एक बार पूल में चक्कर लगा लेते हैं. इधर पानी भी साफ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ. तो ये पूल है, शाम के टाइम में यहाँ पर टेरिस पे काफ़ी अच्छा लगता होगा ऐसा मैं इमेजिन यहाँ पर कर रहा हूँ. काफ़ी लाइटिंग यहाँ पर ठीक है, एंजॉय करते हैं. हमने एक्सपो को पूरा डिस्कवर कर लिया है और ये क्लार्क अवध होटल है लखनऊ का जो हजरतगंज में पड़ता है और काफी ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए थे जिनसे हमारी बातचीत हुई. लेकिन जो जिस लेवल पर दिल्ली वगैरह में इवेंट होते हैं उस लेवल के यहाँ पर इवेंट नहीं हुए. ट्रेन जा रही है और कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं रियली सोसाइटी से भी पूछूंगा भाई आप बताएं क्या यहाँ पर आपने देखा. जी ना, एक्चुअली यहाँ पे ब्रांड्स तो हैं लेकिन बहुत लिमिटेड ब्रांड हैं, लगभग 10-20 ही स्टॉल लगे हुए थे. हाँ, कुछ ब्रांड ऐसे मिले जो उनके साथ में जुड़ करके काम करने लायक है, कुछ ब्रांड ऐसे थे जिनके तो भाई बिजनेस मॉडल ही समझ के परे थे मेरे. क्या कहना क्या चाहते, मतलब करना क्या चाहते, फिर भी लोग 20-20 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं कि उसमें प्यार बनाए रखिएगा. फिर से पीछे कुछ है यार वो भाई, मैं अभी मेट्रो के जस्ट आगे खड़ा हूँ तो मेट्रो बार बार आती है तो डिस्ट्रैक्शन इसकी वजह से हो रहा है थोड़ा सा. तो इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा. हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.